सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इंस्टाग्राम क्रिएटिव बनाना सीखेंगे ड्यूअल फोटो के साथ। तो आज मैंने विराट कोहली की इमेज ली है एग्जांपल के लिए, आप अपने पिक के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए फोटोशॉप पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, देन इसमें कलर फिल करेंगे। मैं इसमें अभी के लिए ब्लू कलर ले रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपना कलर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसको थोड़ा टिल्ट करेंगे और रेक्टेंगल को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ऑलराइट, दिस इज गुड। फिर हम अपनी इमेज प्लेस करेंगे। इमेज मैंने पहले से कट आउट करके रख लिया ताकि टाइम ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। फिर हम सेकेंड इमेज प्लेस करेंगे ये, और जो ब्लू स्ट्रिप है उसमें हम इसे क्लिप मास्क कर देंगे। राइट क्लिक, देन क्लिप मास्क। उसके बाद इस इमेज की ओपेसिटी कम करेंगे अराउंड 50-60, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ओके, फिर मैं एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें भी हम ब्लू कलर फिल करेंगे, देन इसको रोटेट करके प्लेस कर देंगे। इस इमेज को टॉप पे ले आएंगे। उसके बाद ये लाइक्स के आइकन हम प्लेस करेंगे, इसको थोड़ा टिल्ट कर देंगे। उसके बाद ये हम इंस्टाग्राम का आइकन लेफ्ट साइड टॉप पे इसमें वाइट कलर फिल करके प्लेस कर देंगे। उसकी भी ओपेसिटी अराउंड 40-45% रखेंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम का लोगो राइट साइड टॉप पे इसको प्लेस करेंगे, छोटा करने से कंट्रोल टी करके आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद ब्लेंडेड मोड ओपन करके इस इमेज में शैडो देंगे। तो ब्लेंडेड मोड ओपन करने के लिए आप लेयर पर डबल क्लिक करें, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब पैर के यहाँ पे हम ब्रश से शैडो देंगे, तो राइट क्लिक करके ब्रश वेट लाइट, देन उसके ऊपर से स्क्वीज कर लेंगे उसको, शूज के यहाँ पे प्लेस करेंगे ताकि इमेज का बेस शो हो। सेकंड पर कंट्रोल ये कॉपी करके इसको थोड़ा छोटा करके प्लेस करेंगे। अब मैंने स्क्रीनशॉट रख लिया था, आप भी अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पर प्लेस करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई पे रखेंगे, मल्टीप्लाई पे ब्लेंड करके प्लेस करेंगे, थोड़ा साइज इंक्रीज करेंगे।
ओके, आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कमेंट शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून नेक्स्ट ट्यूटोरियल।